जी अस्सलाम वालेकुम खुतिन रात। आज है जी जनवरी की 4, 2023 और दिन है आज बुध का। पहले तो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर सबको। ये शायद मेरा इस साल का पहला वीलॉग है मेरा ख्याल है। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो गए थे काफ़ी दिनों से, टाइम नहीं मिल सका, तो सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है तो एक दो टॉपिक से बात कर लेते हैं जो आजकल काफ़ी कॉमन है सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे। सबसे पहले तो जो न्यूज़ है जो है पीटीए वाले भी बड़े इसको प्रमोट कर रहे हैं और वैसे भी जनरली सोशल मीडिया पे और वैसे मीडिया पे कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट का जो है वो 90% पे है, कोई कह रहा है 80% पे है। तो खान साहब ने जो रिसेंटली वो वाइट पेपर जो रिलीज़ किया उसमें भी इन्होंने बड़े तफसील से बताया कि पहले क्या था और अब क्या है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान 90% डिफ़ॉल्ट के करीब है। तो एक एक बात तो जहन में रखें पहले, सबसे पहले कि पाकिस्तान डिफॉल्ट तो बाहर हाल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे हमारे करतूत ऐसे हैं, हमारे करतूत तो ऐसे ही हैं कि डिफ़ॉल्ट होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं पावर्स जो डिफ़ॉल्ट होने नहीं देंगी। और उसकी रीज़न बड़ी ऑब्वियस है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास न्यूक है, वो ठीक ठाक हमारे पास न्यूक्स हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो जो वेस्ट है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करे। वो इसको एज अ लेवरेज तो यूज़ करेंगे, अगर ऐसा वक्त आता है आपको बिल्कुल वो घुटनों पे ले आएंगे। इस भी जो घटिया और कम अकल किस्म की हुकूमत तो चल रही है उनके ज़रिए आपको बिल्कुल घुटनों पे ले आएंगे, एक थ्रेश होल्ड पर ले आएंगे कि जी बिल्कुल ही आप फारग हो गए हैं, और फिर आपसे वो डील करेंगे जैसे ये करते हैं हमेशा आपके साथ, और आपको कहेंगे हाँ जी हमें हमें न्यूक्स की एक्सेस दें और जो भी उनका आपस में बात करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट तो नहीं करने देंगे, क्योंकि इनमें डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने में इनका ही नुकसान है, इन सब का नुकसान है, इंडिया का नुकसान है, वेस्ट का नुकसान है। तो डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे जैसे श्रीलंका वगैरह वो जो हैं, पाकिस्तान का वो सीन नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है तो ये नहीं हो सकता। तो वो तो छोड़ दें, डिफ़ॉल्ट होने का तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये ज़रूर है कि बिल्कुल आप एक आपको वो थ्रेश होल्ड पर ले आएंगे जहाँ पे दुनिया ये समझेगी कि बस अब आप फारे हैं। तो और दूसरा इनके पास और भी बड़े हरमे हैं। सुना है कि $200 मिलियन, मैं कि टिकटॉक पे देख रहा था कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान को $200 मिलियन मेरा ख्याल था, मेरा ख्याल है कि मैंने ये सुना था दे रहा है, ये जेंडर इक्वालिटी और ये जो इनका खुसरा पूना जो इन्होंने शुरू किया वेस्ट में ट्रांसजेंडर और ये सारा जो कुतखन है इसके लिए पाकिस्तान को दे रहा है कि जी ये आप इसको यूज़ करें। और पाकिस्तान में भी ये कुतखाना जो है ये जो ट्रांसजेंडरिज्म और ये इंटरसेक्स और ये जो सब जो बेहूदगी है इसको प्रमोट करें, और इन्होंने करना है, ये दुनिया में ये प्रमोट होना है आइडिया। इन्होंने पहले अपना किया है फिर ये बाकी जगहों में कर रहे हैं, और उसके लिए भी NGOs जो हैं, जो हमारी जो ये जो गंदे गंदे लोग हैं जो ये NGO वाले जो पैसे कमाते हैं इन चीज़ों से, तो उनको ये पैसे देंगे। वो पैसे इवेंचुअली ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू जाएंगे, वो फिर खाएंगे अपने सारा कुछ। तो पैसे तो मिलते रहेंगे आपको, तो डिफ़ॉल्ट तो आपको नहीं होने देंगे, उसकी तो फिक्र ना करें। हम बस न्यूक्स हैं और हम हमारे पास वैसे भी एक जियोग्राफिकल लेवरेज भी है पाकिस्तान के पास, ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये इसको ये तबाह नहीं कर सकते, इसको समझे बचा के रखेंगे, लेकिन बिल्कुल एक मिनिमम लेवल पे ला के। तो वो तो ठीक हो गया। और आजकल वैसे भी ये फ्लड वगैरह का चक्कर चला हुआ है उसके भी पैसे मिल रहे हैं, ये जो जो खुले खा रहे हैं ये जरदारी और सारे जो भी जो गवर्नमेंट है सारे पैसे खा रही है और मांग भी रहे हैं ये इसी इन्हीं चीज़ों की वजह से कि जो हमें पैसे दें, हम गरीब हो गए हैं, हमें पैसे नहीं है। तो ये पैसे तो मिल जाएंगे आपको, डिफ़ॉल्ट को नहीं होने देंगे, लेकिन ये आपको बर्बाद ज़रूर कर देंगे हर लिहाज से। मतलब बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि ये जो इसाक डार है, इसाक डॉलर कह ले उसको, घटिया आदमी को, इंतहाई लो IQ का अकाउंटेंट है वो, लेकिन उसको बहरहाल जो पोस्ट मिल गई हुई है। तो कह रहे हैं कि उसने आर्टिफिशियली डॉलर को रोक के रखा हुआ है, वो LC नहीं खोल रहे, सारी कहानी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है क्या चल रहा है, क्यों डॉलर रुका हुआ है 225-23 पे, 25-26 पे, और वैसे ओपन मार्केट में 250-60 का भी नहीं मिल रहा। तो कहते हैं अगर इसको जैसे IMF कहता है इसको अगर खुला छोड़ते हैं डॉलर को जैसे पहले था तो ये इस साल के एंड तक जाके ये 270-265 पे चला जाएगा। सोचें 265 का 70 का डॉलर जब होगा तो पाकिस्तान में क्या हालात होंगे।
वो सबको पता है कि इकोनॉमिकली वैसे ही इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है इस गंदी नकम्मे कम अकल लो आईक्यू घटिया हुकूमत ने, नून ली, ये पटवारी और ये पीडीएम, जितने भी सारे खोते इकट्ठे कर लिए हमने पाकिस्तान में, और जिन्होंने जिन्होंने इकट्ठा किया वो उससे बड़ा खोता है बाजवा जो है। तो वो जो बातें हैं डिफ़ॉल्ट वाली, वो तो खैर हमें इतनी इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान को कोई नहीं कर सकता क्योंकि पावर्स करने नहीं देंगी, लेकिन ये बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को। ये अना की जंग में, बाजवा की अना की जंग में, वो मेरी दादी कहती थी जो लंबे बंदे होते हैं ना, मेरे अब्बू भी ज़रा मज़ाक में कहती थी, मैं भी, हमारे कद भी ऐसे ही हैं, और कहते हैं जो लंबे, वैसे भी एक सेइंग है पंजाबी में उर्दू में कि जो जो लंबा बंदा होता है उसकी जो अकल है ना वो गिट्टों में होती है, और बाजवा भी काफ़ी लंबा है, गधा ऊंट रुमा उसका, उसको वो है। सारे जो ये जो रिटायर्ड आर्मी के बंदे हैं ना, आप किसी से पूछ लें, कह रहे हैं कि ये एक इंतहाई बिलो एवरेज एक जहल किस्म का ये एक फ़ौजी था, लेकिन इसके कॉन्टैक्ट्स और रिश्तेदारियाँ और सारा वो जो था ना एक्सप्लोर करके ये पहुँच गया है, वरना वैसे कैलिबर वाइज ये इंतहाई कोई इसका लो आईक्यू है, इसका अकल मत कोई नहीं है इसमें। और देखिए मुशर्रफ पहले आया, सारे जियाउल्लाह का आया, उससे पहले देख ले माशाल्लाह तो बड़े आए हैं, लेकिन सारे वो जहीन लोग थे। ये एक 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 बीच में एक गधा, एक ऊँट नुमा गधा हमें मिल गया पाकिस्तान को, और उसने अपनी अना की वजह से बर्बाद कर दिया। उसका आजकल चल रहा है बड़ा खान साहब आजकल सारी वो राज अफशां कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, कि मेरी उनसे जो कॉन्वर्सेशन हुई थी बाजवा से, तो कहता है कि जी हमारे पास सबकी वीडियोस भी हैं, ऑडियोस भी हैं, और हम जो चाहें कर सकते हैं। ये बाजवा खान साहब को कह रहा है, और खान साहब कहते हैं कि तुमने जो ISI को इस काम में लगाया हुआ है, मतलब ISI का ये काम है कि लोगों की फिल्में इकट्ठी कर रहे हैं, ऑडियो इकट्ठी कर रहे हैं, कितना घटिया आदमी है। पर कहता है तुम भी तो प्ले बॉय हो ना, मतलब छोटी सोच। ये एक जनरल, मतलब एक जनरल जो है पाकिस्तान का सबसे एक हाईएस्ट कैलिबर पोजीशन ऐसे खोते के पास रही है, वो खान साहब को कहता तुम प्ले बॉय हो। तो खान साहब ने कहा कि प्ले बॉय मैं था, इसमें कोई ऐसी कोई राज की बात तो नहीं है भाई, एक सेलिब्रिटी है, उसने अपनी लाइमलाइट की उसने पीक देखी हुई है अपनी जवानी में, अभी भी वो किसी से कम नहीं है, तो वो तो एक्सेप्ट करता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसने एक्सेप्ट किया है कि भाई मैं पहले था, अब मैं चेंज हो गया हूँ, अब चेंज मैन ना, अब वो बात नहीं है। तो ये उसको ऐसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कि जी तुम प्ले बॉय थे। देखो कितनी गंदी सोच है इस गंदे जनरल की, बाजवा की, कि वो खान साहब को कह रहा है कि हम फिल्में इकट्ठी करते हैं, ऑडियो इकट्ठी करते हैं। इन्होंने फौज को इस काम में लगाया हुआ, ISI जो हमारी एलीट एक इदारा है इंटेलिजेंस का, उसको इस गधे ने किस गंदे काम पे लगाया हुआ है, पता नहीं कब से लगाया हुआ है, क्योंकि पहले तो कभी नहीं था ये बात, पहले इकट्ठी करते होंगे लेकिन पहले कभी इसका मिस यूज़ नहीं हुआ। ये मिस यूज़ अब हुआ है जब बाजवा है, और ये रजीम चेंज के बाद ख़ास तौर पे, उसके बाद तो इन्होंने ये PDM ने और ये मरियम नवाज़ ने और ये जितनी वीडियो फिल्मों के शौकीन है सारे, ये पूरा ख़ानदान नून वाला गंदा ख़ानदान, तो इन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं आजकल, वरना कौन एक्सपर्ट होता है। देखना इन्होंने ये काम पकड़ लिया ISI ने, ये लोगों की फिल्में बनाओ, ऑडियो बनाओ, फिर उसको एज ए लेवरेज यूज़ करो, ये जजों की वीडियोस, ये सब की वीडियोस बना बना के। तो खान साहब काबू से नहीं आ रहे, क्योंकि खान साहब की कोई ऐसी वीडियो है नहीं, अगर होगी भी तो बड़ी को पुरानी होगी, तो पुरानी वीडियो वीडियो से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पहले जो हो गया वो हो गया, पहले तो हर बंदे ऐसा था, अल्लाह जिसको हिदायत दे दे, बाजवा को नहीं दी अल्लाह ने हिदायत, तो इसमें इमरान खान का कसूर तो नहीं है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है अब की, जब से खान PM बने हैं, या उस दौर की खास तौर पे उससे लेके आज तक, आप बताएं, पहले की बात छोड़ें, पहले तो हर बंदे माशाल्लाह था। तो ये एक इंतहाई गंदी स्ट्रेटजी है। बहरहाल तो आज के लिए चल रहा है, तो टॉपिक था डिफॉल्ट वाला, तो डिफॉल्ट की मुझे तो कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की, लेकिन पाकिस्तान को ये रगड़ के रखेंगे, दबा के रखेंगे हर लिहाज से ये रजीम चेंज वाले। इन्होंने एयरपोर्ट भी जो है, आपने सुना है कि जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं लाहौर, कराची, फैसलाबाद का भी, उन्होंने ये लीज़ पे देने के चक्करों में या उसको
आउटसोर्स कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कतर को, सऊदी को, यूएई को, कुछ उसके डिपार्टमेंट्स, सो ना सिक्योरिटी और जो मेरा जो नेविगेशन है वो, जो ईसा का जो काम है वो नहीं कर रहे, बाकी लगे जो सारे जो दूसरे काम है सारे आउटसोर्स कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। और पैसे इन्होंने क्या कमाने हैं, इन्होंने पैसे कमाने हैं वो पैसे उन्होंने बाहर ले जाने हैं, यूके ले जाने हैं। ये ऐसा नहीं है क्योंकि मुल्क बचा रहे हैं ये है कि ये जो जितने ये गंदी नस्ल के जो कीड़े हैं ये सारे ये खोते खोते इकट्ठे कर लिए हमने, लो आई क्यू के लोग, ये नवाज शरीफ और ये जरदारी और सारे गधे सारे, ये बिल्लो रानी, ये अपना इन्होंने पैसा निकालना है, ये को मुल्क बचाने नहीं बैठे हैं। तो खान साहब को ये टेंशन होती है, लेकिन बहरहाल वो एक और टॉपिक है। तो इसकी फिक्र ना करें डिफ़ॉल्ट होने की, ये सब टोपी ड्रामा है, डिफ़ॉल्ट नहीं होता, इसको ना कोई होने देगा ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा लेवरेज है जो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देगा, जो कि हमारे न्यूक्स हैं। तो ये था आज का टॉपिक, इस बारे में मैंने ये बात करनी थी कि बड़ा चल रहा है मीडिया पे डिफ़ॉल्ट का, तो डिफ़ॉल्ट का ऐसा कोई सीन है नहीं पाकिस्तान के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।